सरप्राइज, इस वक्त मैं एक डिनर पर आई हुई हूँ और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये आपको दिखाया जाएगा, लेकिन इनके साथ मैं डेट पर हूँ, यानी कि इस डिनर पर हूँ और जिनका मुझे इंतजार है। मैं छुपाना चाहती थी लेकिन मैंने कहा है, जब आप उनको देखेंगे आप कहेंगे ओहो ये है, इनके साथ माया ने डिनर किया है। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि मैं किसके साथ डिनर करने वाली हूँ, या जब आप लोग इस वक्त देख रहे हैं तो कल रात हो चुकी होगी और आप लोग चाहें भी तो इस डिनर को नहीं रोक सकते। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम। बचना ए हसीनो जो मैं आ गया, अभी जो है ये जिस सरसत हम लाइव बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो कल रात वाला वाकया हो चुका होगा कल, लेकिन आज का जो दिन है, आज की जो रात है, आज के डिनर में आपके साथ करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच हमारे साथ ही टाइम निकालने का। लोगों को ये सरप्राइज लगेगा कि ये किया है माया ने कि शेख साहब को इस तरह पकड़ लिया, लेकिन आई डोंट नो आपने कभी इस तरह एक्सपीरियंस किया है पहले कभी? नहीं, मैं इस तरह कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कैमरे के सामने जो है वो खाना खा रहे हो। मैंने जहन में इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना कि आपको खाने पीने का बहुत शौक है और मैंने ये भी सुना है कि आप खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, इज दैट ट्रू? खाना काफी अर्सा हो गया, अभी ट्राई नहीं की। खाना खाने का मुझे शौक है, मौसम के लिहाज से दिनों के हिसाब से। मौसम के लिहाज से चलो मैं समझ सकती हूँ कि चलो सर्दी आती तो बंदा पाए खाता है या मछलियां खाता है, लेकिन दिनों के हिसाब से मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं मटन जुमेरात के दिन खाता हूँ क्योंकि फ्रेश बकरे आते हैं और मंगल बुध का गोश्त नहीं होता, नागा होता है, तो वाओ। सो आई बाय मटन बाय माई सेल्फ, बाकी मैं देसी कोई फार्मी चीज नहीं खाता। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, ट्यूजडे को आप क्या खाते? ट्यूजडे को और बुध को चिकन। ट्यूजडे वेडनेसडे चिकन, ट्यूजडे चिकन और बाकी दाल भी मैं खाता हूँ, गोश्त में भी मूंगी की दाल को मेरी बड़ी फेवरेट है विद मटन। थैंक यू। लेकिन अच्छा, मैं शाम को राइस खाता हूँ। शाम में राइस खाता, लेकिन प्लेन राइस सब कैसे बॉयल खाते हैं? boil. या बॉयल, लेकिन बॉयल आप उसकी वजह से कि वो सारा स्टार्च निकल जाता है? नहीं, ऐसी बातें होती, जब मैं इतना खाता हूँ तो स्टार्च की क्या परवाह। अच्छा, आप बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करते? डाइट नहीं, मैं हमारे खानदान में शुरू से ही, लेकिन मैं अर्ली डिनर लेता हूँ। मैं स्कूल में ही था ना तो बड़ा पेटू था, तो मेरा मास्टर मुझे कहा करता था कि उसको यकीन था कि मैं बड़ा होके सरकारी मीटिंग्स में जाया करूं। क्या बात करें, सच मेरे शाह साहब मास्टर थे। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमेशा घर से खा के जाना। हाँ। था कि वहाँ प्लेट इतनी गंदी ना भरी रहे। तो जब मैं स्टेट डिनर्स में भी जाता था तो घर से खा के जाता था, क्योंकि वहाँ थोड़ा थोड़ा लोग खाते हैं, फिर मैं भूखा आ जाता। तकल्लुफ में बंदा कोई खा ही नहीं पाता। मुझे बात बताएं कि खवातीन जो हैं खाना अच्छा पकाती हैं, ये आपको किसने कहा? ऐसे सवाल आया था दिमाग में। नहीं, आप मर्द अच्छे खाना पकाते हैं। मर्द अच्छा खाना बनाते हैं, मेरी ख्याल है। कराची का जगह कैसा लगता है आपको? कराची में होटल से बाहर निकलता ही नहीं है, बस इशरतबाद की तरफ चला गया या गौरी की तरफ, बाबर की तरफ। कराची का मशहूर खाने में नहारी, जहर यहाँ आके मैं कोई लस्सी या जहर, मैं यहाँ नहारी और हलीम और वो क्या कहते हैं बिरयानी वही पसंद करूंगा ना। कढ़ाई गोश्त कैसा लगा वैसे आपको? अच्छा है। इसके जायके के हवाले से कुछ बताएं मुझे कि आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए था और क्या कम है और क्या ज्यादा है? मेरा ख्याल है साबुत लाल मिर्च होनी चाहिए थी। तो साबुत लाल मिर्च वैसे होनी चाहिए जी आपकी कढ़ाई में, ये शेख साहब का कहना है कि अगली दफा जब शेख साहब के लिए कढ़ाई लाएंगे उसमें लाल मिर्च साबुत डालेंगे। ये कैसे लगा आपको जायके में? ये ठीक है। इसमें मजा आया कुछ आपको? और दाल कैसी लगी? दाल भी अच्छी है। नाश्ता किस चीज का प्रेफर करते हैं? देसी टोटकी, देसी पराठा, देसी अंडा। अरे देसी अंडा, मुझे याद आता है जब मैं छोटा सा था तो मेरे मोहल्ले में जब खीर ठूठियों में बांटते थे ना, तो मैं पहले एक ले लेता था, फिर कहता था मेरे भाई का भी। जब भी आपको आपकी जो है ना वो कहते थे आप पेटू है। तो एक मैं ले लेता था, दूसरा कहता था मेरे भाई का हिस्सा। और उन्होंने सही उसकी जो है वो प्रेडिक्शन की थी कि आप बड़े हो गए जो है ना कोई सरकारी जो है ना अफसर बनेंगे। ऐसी बस। इट वाज अ सरप्राइज प्लान और मैंने खुद ही सोचा था
کہ میں اس طریقے سے جو ہے نا آپ کے ساتھ ڈنر کروں گی اور لوگوں کے ساتھ اس طرح سرپرائز کروں گی. گائز آئی سیریسلی بلیو کہ آپ لوگوں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا ہوگا کہ مایا یہ حرکت کر سکتی ہے اور شیخ صاحب کو میں کھانے پہ لے جاؤں گی, اور جاتے ہوں گے ظاہر ان کے بہت کم جتنے بھی آپ کے جو ایسے کھانے پہ تو کوئی روز مجھے لے جائے, مجھے کوئی اعتراض. ہائے دیٹ از سو سویٹ شیخ صاحب, تھینک یو سو مچ. شیخ صاحب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے, اس میں انگوٹھی کے علاوہ سب کو چاہیے نا, اور کل صبح بریکنگ نیوز بنا دو کہ مجھے انگوٹھی دے دی اور ایسی غلط فہمی ہو جائے آپ کو بھی. دینا نہیں چاہ رہی ہوں کیا میں اس میں؟ نہیں آپ لوگوں کو نہیں دکھا. او دیٹ از ویری سویٹ, دیٹس ویری سویٹ. میرا نہیں خیال آج تک شیخ صاحب نے کسی دنیا کے سامنے کبھی کسی کو اس طرح گفٹ دیا ہوگا. تو تھینک یو سو مچ, اینڈ اٹ واز لولی میٹنگ یو اینڈ ہیونگ سچ اے ونڈرفل ڈنر ود یو. اور اب ہم چلتے ہیں واپس سیٹس کی طرف, کیونکہ پھر وہاں پر آپ کے بہت سارے مداح ہوں گے, آپ کو کال کر رہے ہوں گے. بیک ٹو باخبر سویرا کا سیٹ. تھینک یو سو مچ.